गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल साइंस के बायोडाइवर्सिटी सेक्शन को समझेंगे जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात करेंगे जो दो प्रकार से होता है एक तो इनसी टू कंजर्वेशन कहते हैं और एक एक्ससी टू कंजर्वेशन कहते हैं आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं जिसमें कि जेनेटिक स्पेसीज हैं जो एंड इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं कैन बी बेस्ट प्रिजर्व अगर उसको प्रिजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो उसको इन सी टू के माध्यम से इन सी टू का मतलब हो, ऐसा होता है कि इन सी टू बाई वाइल्डरनेस एज प्रोटेक्टेड एरिया मान लेते हैं कोई एक ऐसी है, जो स्पेसीज किसी हाई एल्टीट्यूड में होती है उस हाई एल्टीट्यूड की स्पेसीज को उसी जगह पर प्रोटेक्ट करके उसे ग्रो करना उसको कल्टीवेट करना उसकी पॉपुलेशन बढ़ाना इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जिसको नेशनल पार्क्स के नाम से जाना जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से जाना जाता है जो कि ऐसे एरियाज है जो प्रोटेक्टेड है मीनस वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लगभग बंद है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनकी जो पॉपुलेशन उसमें डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस आ सकता है तो ऐसी एरियाज जो कि प्रोटेक्ट कर दिए गए हों तो उसको हम कहेंगे इन सी टू कंजर्वेशन तो जिसके लिए भारत में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं विद ईच डिस्टिंगटिव इको सिस्टम दट इंक्लूडेड इन द नेटवर्क सच एन नेटवर्क वुड प्रिजर्व दोटल डायवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑफ़ अ रीज़न इस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा एक हिरण का क्षेत्र है उस एरिया में अगर हमने किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने दिया तो वो कंजर्व कर दिया प्रोटेक्ट कर दिया तो इनकी पॉपुलेशन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा इन द पास्ट नेशनल पार्कस इंड सेंचुरीज इन इंडिया वे आर नोटिफाइड टू प्रिजर्व मेजर वाइल्ड लाइफ स्पेसीज जैसे टाइगर के लिए बनाया गया लायन के लिए एलिफेंट्स के लिए डियर्स के लिए तो इस प्रकार के जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो वहाँ की नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं होती प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें डिस्टर्बेसिस नहीं होता है उनको वो प्रिजर्व की जा सकती हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल प्लांट्स एनिमल्स जो कि जाइन ट्रीज हैं मेज मैमल्स हैं देर कैन दे ऑल कैन बी प्रजर्व एंड प्रोटेक्टेड एंड दिस काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ नोन एज इन सीड टू प्रजर्वेशन और कंजर्वेशन

जो भाग संरक्षण क्षेत्र है वहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए जो कि लगभग सोलह हजार तीन सौ थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है प्रोजेक्ट टाइगर की बात अगर करें तो नंबर ऑफ टाइगर्स इसकी इसको प्रोटेक्ट करने से बड़े हैं सिक्स का सर्वे बताता है कि टाइगर्स वॉज जस्ट वन थाउजेंड फोर हंड्रेड विच वॉज कंसर्न वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे 2006 से 2021 तक धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रोजेक्ट टा, टाइगर चलाया गया और टाइगर की संख्या बढ़ाई गई तो बहुत सारी इसमें इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही बहुत सारी का बहुत सारे एन काम कर रहे हैं और उसके उनके सब प्रयासों से टाइगर का पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है इन ओवर इंडिया हैज नंबर ऑफ टाइगर्स इंडियन इज अ होम ऑफ फोर्टी नाइन रिजर्व ऑल आर ऑल राउंड बाई दी प्रा टाइगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें बंदीपुर है तदोबा अंधेरी है जिम गॉर्बिट नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व देट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटेड बाई वाइल्ड लाइफ इंट तो कुल मिला के इस प्रकार के कुछ रिजर्व एरिया जो स्पेशली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इस टाइटल से जाने जाते हैं प्रोजेक्ट तो टाइटर में टाइगर में अगर हम बात करें तो शिवालिक तराई है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए तराई कंजर्वेशन यूनिट है नॉर्थ ईस्ट कंजर्वेशन वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन ईस्टर्न घाट्स केंजर्वेशन के, के, सह, सरिस्का के, के यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर भी बात कर चुके हैं करेंटली इंडिया द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन भारत के लगभग अस्सी प्रतिशत टाइगर का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भारत में है वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन 80 परसेंट भारत में ही है इज बिग डील अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्टर द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 की अगर बात करें तो टाइगर बढ़ के दो हजार टाइगर की संख्या यहाँ तक बढ़ गई तो इसके बाद हम बात करते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन क्रकोटाइल हैजिन एज स्किन इज यूज फॉर मेकिंग लेदर आर्टिकल्स आजकल अधिकतर ये कहते हैं क्रोकोटाइल की लेदर्स आर्टिकल बनते हैं उसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा जिसकी वजह से क्रोकोटाइल को मारा जा रहा है वो उनकी जो स्पेसिस थ्रेटेड है तो इसकी लगभग उन्नीस सौ साठ से ये चीजें चल रही है एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ चुका है क्रकोटाइल की ब्रीडिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम नाइनटीन सेवेंटी फाइव में इनिशिएट किया गया था एंड इंडिया ने मोस्ट सक्सेसफुल एक्स सीट कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर चलाए गए हैं जो एक्स सी टू हैं उस तो इन सीटू हैं मीन्स जहाँ पर टाइगर कॉकोडाइल्स हैं उनको वहीं पर कंजर्व किया गया प्रोटेक्ट किया गया लेकिन कुछ ब्रीड्स इसको uh, लेबोरेट्रीज में या अल, अलग तरीके की इन्वायरमेंट को क्रिएट करके वहाँ इनको ब्रीड को बनाया गया इस तरीके से हम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की बात करते हैं हैव बीन एक्सट्रीमली इन ओवर थर्टी कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स क्योंकि इसके एक्स टू कंजर्वेशन हो रहा है तो इसमें ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जूज में इसका कंजर्वेशन किया है साइट्स जिसको सक्सेसफुली ये इस तरह से क्रोडाइल की

और यह अभियान बारह राज्यों के लिए बनाया गया जिसमें कि हर्ट्स एट इन द माइग्रेशन रूट्स आर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज से हमारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं या जितने भी टाइगर्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उसको हार्म हो रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल अदर तरीके से इसका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की बात करें भारत में तो पाँच सौ उनासी नवासी फाइव हंड्रेड नाइन प्रोटेक्टेड एरिया हैं भारत में जिसमें कि एट्टी नाइन जो है नेशनल पार्क्स हैं और फाइव हंड्रेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भारत में ये डेटा हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग फाइव हंड्रेड एट्टी नाइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया तो में जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार काम कर रहे हैं एंड

द ऑनली प्लेस बाय द हंगुल और काश्मी स्टैग फाउंड है दचिगाम के हम दचिगाम काश्मीर में हम बात करते हैं देर आज सरवल सेंचुरी तराइन रीजन में काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत हालथी वाइल्ड बबुल गौर वाइल्ड बोर्ड स्वैम डियर एंड हॉक डियर लार्ज नंबर में रहते हैं और साथ साथ में वहाँ पर टाइगर और लियोपर्ड का भी पॉपुलेशन अच्छा है इट्स बर्ड लाइफ इज एक्सट्रीमली रिच एंड इंक्लूडिंग डग गीज पैलिकन स्टॉक्स एंड मानस सेंचुरी है जिसमें कि तराई स्पीसीज का एक पार्ट है जिसमें गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं इट इज वेरी रियर पिगमी हॉक वहाँ पाए जाते हैं स्मॉलेस्ट वाइल्ड बोर पाया जाता है इन द वर्ल्ड द फ्लोरिकन इज फाउंड ओनली इन फ्यूअर अनडिस्टर्ब ग्रास लैंड इन द तराई सेंचुरीज तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इन द सेल्फोरस तो मध्य प्रदेश दिया सर्वेल प्रोटेक्टेड एरियाज कान्हा किसली के नाम से जाना जाता है एक मध्य प्रदेश में एंड uh, जो कि वाइल्ड टाइगर्स और एलिफेंट के लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर मिलती हैं हम जानते हैं बारा सिंघा भी पाया जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ ऐसे हैं भरतपुर की हम बात करते हैं जो फेमस बर्ड सेंचुरीज के नाम से जाना जाता है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डग गीज हेर एंड अदर जो वेडिंग वडिंग बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस माना जाता है जो कि भरतपुर राजस्थान में है दिस इज ओनली होम टू वियर रेयर साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आती हैं जो माइग्रेट्स टू इंडिया एवरी विंटर हर समर विंटर में यहाँ पे आती हैं ड्यूरिंग लास्ट ट्वेंटी ईयर्स थर्टी और फोर्टी साइबेरियन के जहब ट्विंटल लोनी टू और थ्री जो कि तीस और चालीस आती थी वो कम होकर और कम हो जा रही हैं लगभग एक डेटा बताता है कि नो क्रेनस वेयर सीन इन टू थाउजेंड टू एंड थ्री एंड इज पॉसिबल दैट दिस बर्ड्स विले अगर सिचुएशन धीरे धीरे नहीं हुआ तो जो साइबेन आ रही है सीजन में, वो आनी बंद हो जाए अब हम बात करते हैं थर्ड डिजर्ट की दी वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड इन डिजर्व नेशनल पार्क देर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बर्ग्स नीलगा पाई जाती हैं अब हम बात करते हैं द ग्रेट इन इंडियन बस्टर्ड की वो रहते हैं रणथम्बोर में वो जो कि एरिड रीजन में पाया जाता है मोस्ट वेल नोन सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग टाइगर इन दी वाइल्ड टिल्टी और फोर इयर्स एगो सिंस देन मेनी टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय द पोचर्स तस्कर्स के द्वारा बहुत सारे पाए पोच किए गए जो टाइगर्स हैं इससे संख्या कम हो रही है लेकिन जो अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें ये एरिड लैंड में पाया जाता है जो कि खूबसूरत पक्षी है ग्रेट एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ की हम बात करें तो हैवी मेड सेंचुरी प्रोटेक्ट द वेरी रियर वाइल्ड एस जंगली गधा जो है जो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात का एक ऐसा एक एरिया है जो लगभग 250 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि प्रोटेक्टेड है जिसमें रन ऑफ कच्छ जो छोटा पार्ट है उसको हम कहते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो बड़ा पड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं वो एक ऐसा क्षेत्र जो कि प्रोटेक्ट किया गया है जहाँ जिसको uh, वाइल्ड रियर वाइल्ड एस के नाम के पाए जाने के वजह से जाना जाता है द फ्लेमिंगो द स्टार टोटाइज एंड डेजर्ट फॉक्स इस एरिया में पाए जाते हैं गुजरात की गिर सेंचुरीज में जो प्रोटेक्ट करता है पॉपुलेशन को एशिएटिक लायन के लिए इसको प्रोटेक्शन दी गई है कि गिर सेंचुरी में जो कि गुजरात में है दिस थॉर्न एंड डेसिडियस फॉरेस्ट इज आल्सो द होम ऑफ लार्ज हर्ड्स ऑफ चीतल सांबर और नील गाय सेंचुरी जो गुजरात में है उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां चीतल सांबर पाए जाते हैं। द सेंचुरीज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो उसके जो डाइवर्स फॉरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्टेड किए गए हैं कुछ एग्जांपल्स वहाँ तो पे ऐसे हैं जो कि थ्रेटनड हैं द मालाबार जाइंट स्क्वायरल द फ्लाइंग स्क्वास और बहुत सारी हिल वर्ड्स हैं सर्वल स्पेसीज हैं एम्फीबियंस की रेप्टाइल्स की इंसेक्ट्स की जो थ्रेटेन स्पेसीज की में कैटेगराइज की गई हैं क्योंकि समय के साथ साथ ये कम होती जा रही हैं। हाईली एंडमिक प्लांट लाइफ सेंचुरीज लाइक भीम शंकर है कोयाना है चंदोली है और रत्नागिरी है इस रिच फ्लोरा फोना जो कि महाराष्ट्र बांदीपुर भादरा धंदेली नागरहोल कर्नाटक में पाए जाते हैं इर्वाकुलम पाया जाता है पैरम्बिकुल है पेरियार है सैलन वैली केरला में इस तरीके से बहुत सारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं कंजर्वेशन के लिए अलग अलग, अलग सेंचुरीज बनाई गई है नीलगिरी हिल्स की हम बात करें नीलगिरी हिल काफी खूबसूरत फ्लोर एंड फॉला वहाँ का रहता है और प्रोटेक्ट करते हैं कुछ लास्ट पॉकेट ऑफ इंडियन इफेंट इन साउथ इंडिया कुछ एग्जांपल बांदीपुर है मधुमलाई है वायनाड है भद्रा है जो कि ड्यूरिंग द लास्ट टेन ईयर लास्ट नंबर ऑफ द ग्रेट ट एलिफेंट ऑफ दिस रीजन हैव बीन किल्ड फॉर दिसर आईवेरी आईवेरी के लिए जानवरों को मारा जाता है खासतौर पर एलिफेंट्स को जो कि इसलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है ना फ्यू री मैगनीफिक्स आर लेफ्ट इन द जंगल्स टू इंपोर्टेंट सेंचुरीज मीन द प्रजर्वेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम जिसमें चिल्का लेक है और पॉइंटर है कैलीमर है जो तो चिल्का लेक हमारे पास ये है उड़ीसा में पाई जाती है जिसको लैगून भी हम कहते हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट समुद्र से मिला हुआ बैंगल बंगाल से बना हुआ है दिस इज चील का लेगून और ये एक कोस्टल एरिया का इकोसिस्टम है जिसको प्रिजर्वेशन के लिए बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसीज पाई जाती है वो धीरे धीरे विलुप्त तो हो रही हैं दे सुंदरबन प्रोटेक्ट द लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा इन इंडिया भारत में अगर मैंग्रोव की बात करें तो सुंदरबन में ही पाए जाते हैं जो मेरी नेशनल पार्क है गुजरात में इट प्रोटेक्ट ऑफ द सी आइसलैंड कोरल रीप्स एंड एक्सटेंसिव बट फ्लैट्स ओवर ए हंड्रेड प्रोटेटेड या जहबिन इन अंडमान निकोबार आइसलैंड और क्योंकि कुछ वहाँ के जो स्पीसीज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ के अंडमान निकोबार की हम बात करें तो वहाँ के आइसलैंड को एक सिस्टम को बचाने के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं केस स्टडी की बात करें उड़ीसा में ऑलिव रिडल रिडली टटल्स पाए जाते हैं जो कि अगर हम बात करें गिरिमाथा में और टू अदर साइड्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑलिव रिडली टर्टल्स Congrates on the beach between the December and April for mass nesting. This was the largest nesting site for the olive riddle in the world. There are some threats to these nesting sites. sprinkling nesting sites, construction of roads and buildings close to these rock trees, and other infrastructure development project, hamper nesting, trawling, fishing, and other large threats to the turtle. Vitar Jo Sanctuary 1974 ke baad was notified that there was a क्लोज वॉर हंटिंग जो जहाँ पेडल्स पाए जाते थे जाते थे वो बंद कर दिया गया है उड़ीसा एक्ट वॉज पास से इसको बचाने की बात चल रही है लेकिन इसका पालन अधिकतर लोग नहीं कर रहे तभी इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है कि ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो एंडेंजर्ड के साथ साथ विलुप्त तो हो चुकी है दिस एक्ट विद इन टेन किलोमीटर लाइन स्टेट एंड मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल ट्वेलर टू यूज टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव ऑपरेशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी इंडिया

करने के साथ तो उसको हम अपने किसी उस तरह के नेचर बना के एक अलग से लैब में इसको प्रोटेक्ट करें तो उसको एक्सटू सीटू कंजर्वेशन कहते हैं दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन विच इज कंजर्व इन ए इन ओर ओट एनवायरनमेंट बाय क्रिएटिंग अ नेशनल पार्क हम तो इन सीटू की बात तो कर चुके हैं एक्सटू का मतलब ऐसा है कि उनको हम लेके आ रहे हैं सिचुएशन ऐसी है जो इंडिजेनस स्पीशीज है और उनको हम अल्टरनेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में या स्पेसीज को रेपिडली ड्रिवन एक्सटेंशन जो है उनको इंस्टीट्यूशन में लेके आके प्रोटेक्ट करके उसको कल्टीवेट करते हैं कंजर्व करते हैं प्रैक्टिकली तो उसको हम बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन दैट इज आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट इन अ केयरफुली कंट्रोल्ड सिचुएशन सच एज बॉटनिकल गार्डन्स फॉर प्लांट इन जूलॉजिकल पार्कस फॉर द एनिमल्स वेयर there is expertise to multiply the species under artificially managed conditions is tarike se unka protection preservation conservation ho raha hai to ex situ jo programs institutes hain botanical parks hain gardens hain ya geological parks hain usme kya hota hai is prakar ke breeding program chalaye ja rahe hain jo ki plants rare plants प्लांट्स, प्लांट्स उसको बचाने के लिए रियर एनिमल्स को बचाने के लिए जो कि एक्सपेंसिव जिन जिनको protected area में manage करना काफ़ी

कंजर्वेशन ऑफ कल्टीवेटर्स एंड लाइव स्टॉक ब्रिड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे थाउजेंड वेराइटीज हैं जो आ, जो कि स्पेसीज में भारत में उगाई जा रही थी लेकिन इनको धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही तो इसके लिए अलग अलग काम किए जाते हैं हम जानते हैं ट्रेडिशनली एग्रो प्लास्टोरिस्ट इन इंडिया हैव सेलेक्टेड ब्रिड लाइव स्टॉक फॉर टू और और इंडिया हैजेंटी सेवन ब्रिड्स ऑफ कैटल्स की बात करें कैटल की बात करें ब्रीड की बात करें फोर्टी ब्रीड्स ऑफ सीप्स ट्वेंटी टू ब्रीड्स ऑफ गोड्स एंड एट ब्रीड्स ऑफ फलूस इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें ब्रीड्स पाई जाती हैं उनको पंजर्व की बात कर सकते हैं लाइव स्टॉक जो हैं ब्रीड्स हैं उनको पंजर्व की बात चल रही है दीज ट्रेडिशनल ब्रीड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर दियर जेनेटिक वेरिएबिलिटी अब हम बात करते हैं केस स्ट्री तो जो हमारे पास सीड्स हैं उसको बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन चला गया सेव द सीड्स मूवमेंट वो मूवमेंट जो विजय जरधारी द्वारा चलाया गया और हिमालयन फूट हिल्स में खासतौर पर हिल्स में करवाल के हिल्स में इसको बच, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया विजय जरधारी जी द्वारा जिनको इंदिरा गांधी अवॉर्ड से नवाजा गया एंड उन्होंने खास तौर पे बीज को बचाने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई और उनका जो मूवमेंट सक्सेसफुली कंजर्व हुआ लोकल राइस की वैराइटीज के, के राजमा को बचाने के लिए पल्सिस को बचाने के लिए मिलेट्स को वेजिटेबल्स को स्पाइसेस हर्ब्स इनके बीज को बचाने के लिए जो उनका मूवमेंट था वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया गया लोगों ने उनको सराहा और काफ़ी बीज बचाने में उनका जो योगदान था वो काफ़ी अच्छा रहा जिसकी वजह से उनको प्राइस और अवार्ड दिया गया बीज बचाव के लिए उनके साथ साथ लोकल वुमेन ग्रुप्स जुड़ी जिन्होंने समझा कि इसको बचाया जाए जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से भी इसको आप हाँ कह सकते हैं contrast, in तो खासतौर पर अगर हम बीज बचाव को ध्यान में रखें तो श्री विजय जरदारी जर्दार, जरदारी जी द्वारा यह आंदोलन जो चलाया गया वो काफी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिली और आज इनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट से काफ़ी बी चुका प्रोटेक्शन हो पाया तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का इन सीटू इंसिटिव एक्सिटिव कंजर्वेशन था अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें इसे शेयर करें और गुरुकुलम ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू